तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है फरुखाबाद में इस मंदिर का। पहले आप कभी विजिट करते होगे तो यहाँ पानी नहीं होता था इस टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फरुखाबाद वाइब्स की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं फरुखाबाद के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो कि है भैरव घाट सिद्ध पीठ मंदिर। यहां आज आप सभी को दर्शन कराएंगे इस मंदिर के, और साथ ही इस मंदिर के आसपास जो बाढ़ का पानी है वो सब भी आपको दिखाएंगे। और यहां पर बहुत ही बुरी तरह से बाढ़ का पानी भर चुका है और यहां के लोग काफी प्रभावित भी है। तो दोस्तों आइए अब आपको मंदिर के दर्शन भी करवा देते हैं और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे जो कि इसी वीडियो में इंक्लूडेड है। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। पहले आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर। और अभी बाहर का भी जो एम्बियंस है वो सब चीजें आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। और कमेंट में जय श्री महाकाल और जय माँ काली जरूर लिख दीजिएगा। और पीछे मंदिर जिसके आपको दर्शन कराने चल रहे हैं आज, भीड़ बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। इसकी भी वजह है, वो अभी आपको वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राउंड भी करवा दूँ ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप बैठ के ही घर पे दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आपको इन वीडियोस के जरिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिले और अच्छा लाभ हो, जो कि शायद आपको मिल पाता होगा। और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है ऐसे दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बाहर आ सकते हैं, और बाहर इस टाइम पर जो माहौल देखने को मिल रहा है वो एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि इस टाइम पे आई हुई है गंगा जी में बाढ़ बहुत ही अलग तरीके से, वो आपको पता ही है। और यहाँ जब पहले आप कभी विजिट करते होगे तो यहाँ पानी नहीं होता था, इस टाइम पे तगड़ी तरह से पानी है बहुत ही ज़्यादा। ये ऊंचाई करीब होगी 20 से 25 फीट। जब मैं आता था पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट रहती थी। और दूसरी बात आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बता दूँ, यहाँ पर एक गोरखनाथ जी का धूना भी है जिसके अंदर की कुछ खास बातें यहाँ है। पर आप जो देख रहे हैं वो है गोरखनाथ जी का धूना, और इसके बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। बाबा जी आप बताएंगे कि काफी लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ पर जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं वो शमशान से है। ये लकड़ी है शमशान, ठीक शमशान से। और ये धूना 24 घंटा जलता है, 24 घंटे 24 घंटा। ये सिद्धपीठ धाम है, सिद्धपीठ धाम है भैरव घाट जो कि भैरव मंदिर। हाँ ठीक है। और जो भी समस्या बाबा के नाम से सही आता है माँ का बाबा पूर्ण काम करते। हाँ, मतलब मनोकामना जो, हाँ, जो भी मांगे होती है, होता सही बढ़िया अपने हिसाब ऐसा है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। 365 दिन मतलब पूरे साल लगातार जलता रहता, चाहे बरसे चाहे कुछ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आंधी पानी कुछ भी आए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटा जलता। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है फरुखाबाद में इस मंदिर का, जो आप लोगों ने अभी जाना है कि यहाँ पर जो धूना आप देख रहे हैं ये ऐसी जगह है जहाँ भाई 24 घंटे। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं, जो शमशान की चिताओं से बची हुई चिता वाली जो लकड़ियाँ होती है वो जलाई जाती हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप लोग आकर यहाँ विजिट कीजिए। इसके बाद जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी वो भी आप यहाँ पर मांग सकते हैं बाबा से, वो भी आपकी पूरी होंगी। कृपया करके दे दे आके, हम यहाँ खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं अपने जूतों के। मैं वैसे आज कैसे लाइव नहीं भाई। क्या हमें लग रहा है LCR वाला जो जूता है ना, वे उसे बंदा गया जिस बंदा ने मेरे जूता एक्सचेंज किया। हाँ हाँ बोलिए, जरूर रही है नहीं है भाई, नंबर लिख के रख रहे हैं। हालत दिखा रहे यार मेरे, तुम यार दिमाग खराब हुई है बुरी तरह से। LCR वाले देखो कैसा, एक काम करो पैर डाल के देखो, नहीं कैसा पैर डाल के देखो, अगर साइज मतलब फिक्स हो, क्योंकि साइज अगर उसको हुई तभी लेगा हुई वो भाई, किसी और को ना हो।
साइज फिक्स भी नहीं है, देखो इतना बड़ा, मतलब उससे आ गया एकदम फिट, उसने डाल लिया, लेकिन ये मेरे नहीं आएगा क्योंकि मेरा पैर बड़ा है। रुक जाओ हम बताएं, थोड़ी देर इंतजार कर लो, थोड़ी देर इंतजार करके भी क्या होगा, अब मिलने तो है ना, ये वाले लेने आए, हाँ बोले बोले घर पे रख के बताओ यार, बंद करो खराब हो रहा है यार, मेरा कभी मेरे दिन कभी भाव ना यार कि मतलब जूता का मंदिर आए के घूम गए हो, हाँ बंद कर भैया यार, ऊपर देख रहे बाबा थोड़ी ना, अब थोड़ी ना आएगा जूता, घर वाले कहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो पड़ चुकी है बहुत ही ज्यादा महंगी और मुझे जाना पड़ेगा बिना जूतों के घर, और हो गया अपना भाई एकदम पोपट, बुरी तरह वाला पोपट। तो भाई कल हो गया था चोरी, आज फाइनली लेके आया वही सेम जूता, ये भाई सेम है वही, यही जूता चोरी हो गया था कल मंदिर से, ब्लॉग बना रहा है, हाँ भाई ब्लॉग ही था भाई, ले लिया लेकिन क्या करें, जो पूरा यार बहुत महंगा था, चलो पहनते हैं फिलहाल। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि और अगली वीडियो में मिल सके और नए जूते भी भाई मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दुख हो रहा है पर क्या करें, अपना है, झेलना पड़ेगा।